कम जो मजामा भाई लोग असली गैंगस्टर जो है वह मुंबई का भिक्खू मात्रे या बेटा वासीपुर का फैजल खान। फिल्मों के बड़े बड़े शौकीन लोग सब यही मानते हैं। कुछ लोगों को लगता है गुंडे तो वासीपुर में ही पैदा हुए, लेकिन जैसा तुम लोग पिक्चर उच्चर में देखते हो ना, वैसा और उससे कहीं ज्यादा महाराष्ट्र के कोंकण विदर्भ खानदेश मराठवाड़ा की धरती पर बहुत पहले हो चुका है। ये कहानी है गैंग्स ऑफ महाराष्ट्र के भाऊलोग की, जिनकी रग रग में दौलत का नशा बेशुमार। सफेद कपड़ा, मत्थे पे लाल टिक्का, गले में गोल्ड चैन, चारों ओर लोगों की भीड़ और आसपास टहलते हथियार बंद उसके गुंडा लोग की फौज। ये पहचान है महाराष्ट्र के उन माफिया लोग की, जिनकी दहशत से उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा महाराष्ट्र हिल जाया करता। तो बाबा, आज एक बार फिर गैंग्स ऑफ इंडिया के 23वें एपिसोड में बात गैंग्स ऑफ महाराष्ट्र की। अरे मामा, एक जरूरी बात, गैंग्स ऑफ महाराष्ट्र की कहानी कवर करना असंभव, क्योंकि अकेले मुंबई शहर में अनगिनत गैंग वॉर हुई, अनगिनत गोलियां चली, अनगिनत गैंगस्टर पैदा हुए। अकेले मुंबई की कहानी कवर करने बैठे तो पूरा साल निकल जाए, और हमें बात करनी है अखे महाराष्ट्र की। तो भिड़ू अब उनने तोड़ मरोड़ के गैंग्स ऑफ महाराष्ट्र की एक पटकथा लिखी। अगर कुछ समझ में भी ना आए तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अपन जो जानकारी देंगे बोले तो एकदम खल्लास भिड़ू। शुरुआत करते हैं मुंबई अंडरवर्ल्ड से। मुंबई पुलिस कमिश्नर रहे आईपीएस अधिकारी जूलियो फ्रांसिस रिबेरो के कार्यकाल में मुंबई में गुंडा लोग का सफाया करने शुरू किया गया एनकाउंटर का सिलसिला, यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का सिलसिला इस सदी के आरंभ तक जारी रहा। इस दौरान पुलिस ने एनकाउंटर के नाम पर हजारों माफिया लोग का गैम ओवर कर डाला, क्योंकि पुलिस लफड़ेबाजों का सफाया कर रही थी तो जनता ने भी विरोध ना किया। खैर, दगड़ी चोल नाम तो सुना होगा ना। दरअसल दगड़ी चोल पहले दाऊद इब्राहिम और उसके गिरोह यानी डी कंपनी के साथ था, लेकिन बाबू रेशम और रमाकांत नाइक की हत्या के बाद दाऊद और अरुण गवली के बीच दूरियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। इसी दौरान डी कंपनी ने गवली के भाई किशोर गवली उर्फ पप्पा गवली की मायम के शीतला देवी के पास हत्या कर दी। इसके बाद तो गवली और दाऊद के बीच खूनी गैंग वॉर ने रुद्र रूप लिया। गवली गैंग ने दाऊद गैंग की वाट लगा दी। इधर गवली के जिगरी अशोक जोशी ने रमाकांत और पप्पा गवली की हत्या का बदला लेने की कसम खाई। ठीक 4 महीने बाद 21 नवंबर 1988 को भाईकल्ला चौराहे पर दाऊद के खास आदमी सतीश राजे को उसी की कार में टपका दिया गया। उस वक्त सतीश दाऊद गैंग का चिप था और दाऊद के भाई नूरा से मिलने जा रहा था। इधर सतीश राजे की हत्या डी कंपनी की रीढ़ पर वार जैसा था। इसमें दाऊद तिलमिला उठा और 4 दिन बाद 25 नवंबर को गवली के खास अरविंद ढोलकिया को ठोक डाला। 2 दिन बाद होटेलियर मनु करमचंद की हत्या हुई। 12 दिन बाद 3-4 दिसंबर 1988 की रात पुणे जाते समय छोटा राजन माया डोलस भाई ठाकुर और सुनील सावंत ने पनवेल के पास अशोक जोशी, सतीश शंकर सावंत, दिलीप लांगड़े और कृपाकर हेगड़े को AK-47 से छल्ली कर पूरा महाभारत रच डाला। बहरहाल महीने भर माफिया गिरोह आपस में खून की होली खेलते रहे, जिसमें बहुत सारे अपराधी मारे गए। बाबू रेशम और रमा भाई नायक के बाद बीआर गैंग में वन एंड ओनली कट पीस बचा था बोले तो मुंबई का डैडी अरुण गवली, जो विरोधियों और पुलिस से बचता हुआ दाऊद के समांतर डॉन बनकर उभरा। वैसे डी कंपनी से किनारा करने वाले में अमर नाइक, दशरथ रहाणे और तानिया कोहली भी थे। ये लोग अपता वसूली, अपहरण और सुपारी किलिंग को अंजाम देते थे। छोटा राजन के दाऊद के साथ होने के कारण ये लोग उसकी जान के भी दुश्मन बन गए थे। बहरहाल दाऊद गैंग और गवली गिरोह के बीच हुए गैंग वॉर में ढेर सारे अपराधियों का अपने आप सफाया हो गया, या पुलिस के लिए एक तरह से लॉटरी लगने जैसा था। लेकिन शहर में दिन दहाड़े हो रही हत्याओं ने पुलिस की भूमिका पर कई सवाल खड़े किए। इसी दौर में 16 नवंबर 1991 को एक ऐसी घटना हुई जो आज भी लोगों के जहन में तरोताजा है। वह घटना थी सुटआउट एट लोगनवाला। कई लोग कहते हैं कि मुंबई पुलिस ने अब तक केवल एक ही ऐसा एनकाउंटर किया जिसे सही मायनों में एनकाउंटर कहा जा सकता है। रे बिड़ू, यहाँ बता दूं कि कांजूर मार्ग और घाटकों पर शुरू से ही अपराधियों के लिए कर्म भूमि रहा है। वहां से एक से बढ़कर एक अपराधी निकले। इन्हीं में से एक था दिलीप बुआ, जो माया भाई बोले तो माया डोलस से भी खतरनाक था।
जो अपने दौर का मुंबई का सबसे बड़ा शार्प शूटर था। कहते हैं कि 80 के दशक में बुआ से बड़ा शार्प शूटर मुंबई में कोई न था। उसके निशाने को देखकर रमा नायक ने उसे अपना बॉडीगार्ड रख लिया था। कहा तो यह भी जाता है कि रमा नायक के सलून में होने की टिप्स दाऊद को बुआ ने ही दी थी। इधर माया डोलस 22 साल की उम्र में ही अशोक जोशी गैंग में शामिल हो गया था। डोलस अशोक जोशी गैंग के लिए कांजूर गांव में अपने सारे कारोबार को ऑपरेट करता था। जल्द ही वह गैंग का टॉप शूटर बन गया। पनवेल शूटआउट में अशोक जोशी के मारे जाने के बाद छोटा राजन ने माया डोलस को दाऊद गैंग में शामिल कर लिया और अब माया डोलस दाऊद के लिए काम करने लगा। बस यहीं से माया और बुआ एक साथ आए और खुद को दादा समझ बैठे, दाऊद के खिलाफ काम करने लगे और अंत में 1991 में दाऊद की टिप्स पर लोखंडवाला शूटआउट में अपनी पूरी गैंग के साथ ढेर हो गए। इधर मुंबई का एक और दबंग माफिया दाऊद को टक्कर दे रहा था नामधाम मानिया शुरू है। सबसे डेरिंग वाला डॉन, जिसने पठान गैंग के साथ मिलकर दाऊद गैंग में खलीबली मचा दी थी, उसे भी दाऊद की टिप्स पर वडाला शूटआउट में मार दिया गया। इधर मुंबई से 150 किलोमीटर दूर और एक इलाका अंडरवर्ल्ड का गढ़ बनता जा रहा था, जहाँ के भोगाली माफियाओं ने अपराध की सारी हदें पार कर दी थी। बोले तो महाराष्ट्र का गैंगलैंड पुणे। 90 का दशक था, मुंबई से दूर पुणे में जमीनों के भाव आसमान को छू रहे थे। गरीब लाचार किसान भू माफियाओं से परेशान थे। भाई लोग इसी दौर में किसानों के लिए मसीहा बनकर उभरा। मुलजी तालुके के गाँव मुत्था का दबंग छोकरा, बोले तो संदीप मोहल, बचपन से ही अखाड़े में पला बढ़ा, लोगों के लिए मसीहा था तो सिस्टम और कानून के लिए गैंगस्टर। वहीं गणेश मारने उसका जानी दुश्मन था और इसी दुश्मनी में 4 अक्टूबर 2006 को मारने गैंग ने संदीप मोहल को मौत के घाट उतार दिया। आज से एक दशक पहले की बात करें तो बाबा बोर्ड के गिरोह ताकतवर था। उस समय बाबा बोर्ड के गिरोह में लगभग 40 गुर्गे शामिल थे। पुणे में टोटल बोले तो अलग अलग 28 गिरोह है। इनमें नीलेश गायवाल गिरोह भी अपराध जगत में अपनी खास जगह बना चुका है। नीलेश गिरोह में लगभग 30 गुर्गे हैं। मुंबई अंडरवर्ल्ड की तरह नीलेश गायवाल अपने पंडरों को मासिक वेतन देता है। वहीं कोथरूड क्षेत्र के साथ साथ मुलजी तालुके में गजानन मारने और गणेश मारने गिरोह का दबदबा है। यह वह इलाका है जहां संदीप मोहल के जाने के बाद गिरोह का नया सरदार शरद मोहल अपनी पकड़ बनाने के लिए बेचैन है। वहीं उसका टकराव होता है गजानन मारने और गणेश मारने से। इधर शरद मोहल जब जेल गया तो इस इलाके में नीलेश गायवाल और बाबा बोर्डकी का उदय होता है और वर्चस्व के लिए इन दोनों गिरोह में नई जंग छिड़ जाती है। यहाँ के गिरोह आपस में ना केवल मारकाट मचाते हैं बल्कि एक दूसरे के सुटरों, फाइनेंसरों और सहयोगियों को भी निशाना बनाते हैं। यहाँ गोलियां चाकू ही नहीं चलता बल्कि भरे बाजार पेट्रोल छिड़क कर जिंदा भी जला दिया जाता है। इनमें से अधिक गिरोह के सरगना महाराष्ट्र की येरवाड़ा या रत्नागिरी जेल में बंद है और वहीं से अपना काला धंधा चलाते हैं। यहाँ के माफियाओं को मुख्य धंधा है जमीन कब्जा, रंगदारी और हफ्ता वसूली। रेबड़ू फिरोज बंगाली की मौत के बाद अनवर शेख और बड़ा वसीम में दुश्मनी इस कदर बढ़ गई कि वर्ष 2011 में ही दोनों के गिरोह ने न केवल आपस में मारपीट की बल्कि दोनों ही गिरोह के सरगना की मौत भी हो गई। यहाँ बता दो कि फिरोज बंगाली, मेघनाथ शेट्टी, प्रदीप सोनावने, रफीक शेख, राजा माटनकर, अनिल हेगड़े के गिरोह के मुखिया पिछले एक दशक में आपसी वर्चस्व और बदले की आग में मारे जा चुके हैं। वहीं पीपरी चिवरण इलाके में बापू नायर, राकेश भरणे, प्रकाश चौहान, बापू वागीरे, शेख वानखेड़े जैसे बड़े बड़े माफियाओं के गिरोह का आतंक मचा है। वहीं कोथरूड इलाके में सबसे अधिक गिरोह सक्रिय है। इस इलाके में सबसे बड़ा गिरोह बनकर उभरा गजानन मारने का, उसके बाद गणेश मारने, बाबा बोर्ड के नीलेश गायवाल जैसे गिरोह भी शामिल है। भाई लोग, मुंबई से बाहर महाराष्ट्र के इलाकों में पूरी तरह स्थापित इस अंडरवर्ल्ड को खत्म करने मुंबई की तरह यहाँ भी पुलिस ने माफियाओं के खिलाफ एनकाउंटर को ही अपना अंतिम हथियार बनाया। लोग बताते हैं कि आज से एक दशक पहले पुणे और आसपास के इलाकों में गुंडा लोग का इतना आतंक था कि लोग तो लोग पुलिस भी कांपती थी। फिर शुरू हुआ एनकाउंटर का दौर। पिछले 20 साल में 24 गैंगस्टरों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इधर मुंबई से दूर और एक गैंगलैंड बन चुका था, बोले तो महाराष्ट्र की शान नासिक, जहाँ योगेश सेवरे, हेमंत शेट्टी, पवन भाऊ पवार, भीम पगारे, अर्जुन नाना पगारे जैसे खतरनाक डॉन उभरे थे। योगेश सेवरे जो कई आपराधिक मामलों में वांछित था, इसने नासिक के एक बड़े डॉन भीम पगारे को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं मरने वाला डॉन भीम पगारे नासिक का उस वक्त का खूंखार क्रिमिनल माना जाता था। भीम पगारे को मारने के लिए आदम गुरु की बुरी भोज आई थी।
अंधाधुन गोलियां दागी गई, 36 बार चाकू से वार किया गया, तब जाके भीम बगारे मरा था। अरे मामा, इधर भीम बगारे की मौत का बदला लेने मैदान में उतरा, बोले तो अर्जुन नाना पगारे, जिसे नासिक का किंग माना जाता है। इसने साल 2013 में विरोधी गिरोह के सरगना मोहन चांगले और दीपक सोनवरे को मौत के घाट उतार दिया था। तो बाबा, मुंबई से बाहर महाराष्ट्र के हर कस्बे में मुंबई अंडरवर्ल्ड से भी बड़े मराठी मावड़ा डॉन मिल जाएगा। यहाँ की मिट्टी में साला गजब का तेवर। तो बिड़ू, समय के अभाव के कारण इस एपिसोड को हम यहीं खत्म करते हैं। गैंग्स ऑफ महाराष्ट्र का दूसरा पार्ट आएगा, जिसमें बाकी रहे गैंगस्टर डॉन माफिया का जिक्र किया जाएगा। तो भाई लोग, कमेंट कर जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।